आई हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा को गाड़ी देने की? किस हैसियत से तुमने अपने आप को हमारा बाप कहा? और अगर तुम हमारे बाप हो तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारी वजह से हमारी अम्मा खून के आंसू पी के मर गई। इंतजार करती रही तुम्हारा, तुम आए, तुमने मजा लूटा और फेंक दिया उसको। और एक नन्ही सी बच्ची को जो हम हैं, और अचानक तुम्हें याद आया कि तुम हमारे बाप हो। हमारी अम्मा माफ कर सकती है क्योंकि वो भोली है, लेकिन हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें, हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। घोर कलयुग, सुनो घोर कलयुग, इतने बड़े प्रसाद में रहते हो, इतने साल तुम कहाँ थे, आज ना धोके कहते हैं कि तुम मेरे बाप हो। तुम मेरे बाप नहीं हो, हमें ऐसा बाप नहीं चाहिए, लानत है ऐसे बाप पे। बाबूजी, बाप के नाम पे कलंक है। थू, थू, थू। मुझे कोई गलत मत समझना, मैंने गलती नहीं की है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे खड़े खड़े तू मेरा मुंह क्या देख रही है? हाँ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। फौरन अपना सामान समेट और निकल जा यहाँ से, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल इस घर को नहीं दिखाना, सुन लिया तूने? इसकी रगों में बहने वाला खून गंदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रगों में खून बह रहा है, वो खून है। हाँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। मैं गलत नहीं हूं बेटा, मैं गलत। बाबू जी आप शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। बाबू डॉक्टर साहब, बाबू जी को ये तीसरा अटैक आया, प्लीज इन्हें संभाल लीजिएगा, प्लीज। डोंट वरी, आई विल डू माय बेस्ट। मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज आप शांत हो जाइए। हमारे बच्ची को ठीक कर दीजिए, उन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया, तो उनको ये तकलीफ क्यों दे रहे हैं? ठीक कर दीजिए। मर गई, बाप के नाम पे कलंक है। थू, थू। वाह वाह, पत्थर की मूरत ऐसा खड़ा है जैसे कि देखो पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है।
क्या बात है, हमारी अम्मा को तुमने छीन लिया, हमने कछु नहीं बोला। क्या जरूरत थी हमें बाबा को दिखाने की, क्या जरूरत थी? इतने साल तुम अकेले रहे, कोई था हमारा बाप? हमने कभी तुमसे सवाल पूछा? हम कभी तुम्हारे मंदिर आके पूछा कि हमारे बाप कहाँ है? हाँ, जब हमारे बाप तुमने हमको दे दे, सोन की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। माय बाप की रक्षा काहे नहीं करोगे तुम? हम छोटे से थे, सबके बाप थे, हमारे बाप थे, हमने कभी मांगा? सब स्कूल जाते थे बाप के साथ, हमारे कोई नहीं था। आज तुम रक्षा करना, हमारे बाप की रक्षा करना, हमने अपने लिए कछु नहीं मांगा। अगर तुम भगवान हो, सच्ची में हो, तो हमारे बाप की रक्षा करोगे। यूरोकाइनस इंजेक्शन ले आओ प्लीज। जी डॉक्टर। बाबूजी ठीक तो है ना? बताइए ना नर्स, बाबूजी ठीक है ना? घबराइए नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर नहीं है। आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए। ये मेरी बेटी है, मेरी पहली पत्नी सरोज की बेटी है उर्मिला। जब से ये मनहूस उर्मिला हमारे घर में आई है, तब से रोज कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। हमारे घर का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। अच्छे भले थे हमारे बाबूजी, सब कुछ उसी के कारण हुआ है। कहीं बाबूजी को कुछ हो गया तो बहुत डर लग रहा है माँ। बहुत ऐशो आराम कर लिया उर्मिला ने हमारे घर में, अब उसे वहां से जाना होगा। मैं निकालूंगा उसे घर से बाहर। हमारे बाबूजी को उन्हें बहुत से सवालों के जवाब देने, हम नहीं चाहते कि उन्हें कुछ हो जाए और पूरा परिवार उन्हें गलत समझे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, एक बोझ रह जाएगा उन पर, बस उन्हें ठीक कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हमें सिर्फ ठीक कर दीजिए आप, बस बस उन्हें ठीक कर दीजिए। हमने कितनी गारी दी, कितना भला बुरा बोला बापू। हम नहीं चाहते कि हम कारण बने उनकी मौत के, उनके परिवार को उनकी बहुत जरूरत है। किचन
हमें भी बहुत जरूरी है। हम तो उन्हें जानत भी नहीं। हमें बहुत सवाल पूछने हैं कन्हैया से, हमको बहुत सवाल पूछने हैं। हमारी अम्मा की एक एक आंसू का जवाब चाहिए हमें। हम पूछना चाहते हैं उन्हें कि जब वो इतने बड़े इंसान थे, उन्होंने बर्दाश्त कैसे किया कि हम एक जोड़ा कपड़ा और दो रोटी में जिंदगी गुजार ली। एक बार वो ठीक हो जाए, उनकी गोद में हम सर रखना चाहते हैं। उनको बचा लीजिए कि नहीं यार। कर लिया, हम जा रहे हैं। हम नहीं रुकेंगे यार, हमें कछु नहीं जाने। बस हमारे पापा को ठीक कर दे, हम जा रहे हैं। कब से इंतजार कर रहा था तेरा? पैसे तो ले आई ना माँ? सासू माँ पैसे तो लाई ही होगी, बेटे को बचाना है ना आखिर। माँ तू पैसे तो लाई है ना? माँ तू चुप क्यों? पैसे तो लाई है ना? अब हमें मजबूर मत करना। लेकिन क्यों माँ? पैसे के हमने जो घर छोड़ दिए। क्या माँ? माँ तू उस आदमी को देख रही है ना? बहुत खतरनाक है। देख माँ कैसे घूर रहा है। वो मुझे मार देगा। सासू माँ अब क्या होगा? सासू माँ वो नहीं छोड़ेगा हमारे मुन्ना को। बहुत खतरनाक लग रहा है वो, और अगर उसने हमारे मुन्ना को मार डाला तो फिर हमारा क्या होगा? मैं विधवा नहीं होना चाहती सासू माँ। अब आप ही कुछ करिए, बचा लीजिए मुन्ना को। अब क्या करें हम? हमें तो लगता है हमारे मुन्ना बाबू को ये छोड़ेगा नहीं। कुछ कर, नहीं तो वो मार डालेगा। एक ही है जो हमारी मदद कर सकत। कौन कौन है वो बताइए ना। टिप्सिम तो जाइए ना और बात कीजिए उनसे पैसों की।
जाइए उनके पास, ऐसा ना हो कि आपके सोचने में हमारा मुन्ना बाबू। ईश्वर, मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे सच छुपाया है, मेरे भरोसे को तोड़ा है, इसलिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन वो मेरे पति हैं, उनकी रक्षा करना, उन्हें लंबी उम्र देना प्रभु। के सामने ढोंग मत करो रिमझिम, बहुत नाटक हो चुका है। तुम्हारे कारण हमारा परिवार बिखर रहा है, तुम्हारे कारण की हालत हो गई है। माँ जी, आप जानती हैं हम ऐसा कभी। बंद करो ये बकवास रिमझिम, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बाजी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हुआ? डॉक्टर साहब बोलिए ना क्या हुआ? फिलहाल तो खतरे से बाहर है। वेल, हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन हम उन्हें कोमा में जाने से बचा नहीं सके। चले गए, लेकिन डॉक्टर साहब अब तुम्हारी वजह से हमारी अम्मा के आंसू पीके मर गए। बाप के नाम पे तनन तनन तू। अगर इधर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।